आप इनका ग्रुप बनाएंगे, ठीक है। अलग अलग ग्रुप में कुछ कुछ लोगों को रखा जाएगा। उदाहरण के लिए मान लीजिए इन सभी को चार ग्रुप में बांटा गया है। पहला ग्रुप है जिसमें मिस्त्री है, उसमें हमने सभी लोगों को रखा है जो मिस्त्री है। जो दूसरा ग्रुप हमने बनाया है वो है इंजीनियर्स का, इसमें हम उन सभी लोगों को रखेंगे जिनके पास इंजीनियरिंग की डिग्री है। उसके अलावा फिर हमारा तीसरा ग्रुप होगा अध्यापकों का, इसमें हमने उन सभी लोगों को रखा जो अध्यापक है यानी कि जो बच्चों को पढ़ाते हैं। और चौथा ग्रुप हमने बनाया है डॉक्टर का, इसके अंदर वो सभी लोग हैं जो चिकित्सा से जुड़े हुए हैं। तो ये मान लेते हैं कि हमारे पास जितने भी लोग थे वो सभी एक तरीके से ग्रुप में आते हैं। अब आगे ग्रुप में आते हैं तो उसका हमारे पास फायदा क्या होगा। अब मान लीजिए अगर हम इससे एक ग्रुप की बात करें जो है इंजीनियर्स, तो हमें इंजीनियर्स के बारे में ये पता है कि उन्हें रासायनिक विज्ञान आता है, उसके अलावा उन्हें कोडिंग आती होगी और गणित आता होगा, साथ में उन्हें भौतिक विज्ञान आता होगा। तो हमने ये मान लिया कि जितने इंजीनियर्स हैं उनको इतनी चीजें तो आती है। तो अगली बार हमारे पास कोई और इंसान आएगा और वो ये कहेगा कि मैं इंजीनियर हूँ, तो हमें ये नहीं समझना कि क्या होते ये सारी चीजें आती है, हमें पहले से पता होगा कि अगर वो इंजीनियर है तो सारी चीजें आती है। तो इससे फायदा क्या हुआ, अब हमें हर एक इंजीनियर के बारे में नहीं पढ़ना पड़ेगा, हमें सिर्फ इंजीनियर ग्रुप के बारे में पढ़ना पड़ेगा और हमें हर व्यक्ति के बारे में पता चल जाएगा अगर वो इंजीनियर है तो उसे ये चीजें आती है या फिर क्या क्या चीजें लिखी है। तो इससे क्या होगा कि हमें सबके बारे में ना पढ़ना, एक ग्रुप के बारे में पढ़ना पड़ेगा और इससे हमारी जो स्टडी होगी वो आसान हो जाएगी। अब इस ग्रुप का बनाने का हमारा फायदा क्या होगा, दरअसल इससे हमारा काम आसान हो गया। तो इसी तरीके से वर्गीकरण किया जाता है। और यहाँ पर हमारे पास एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था अरस्तु, और इन्हें इंग्लिश में एरिस्टोटल भी कहा जाता है। इन्होंने हमें सबसे पहले वर्गीकरण करके दिया था जितने भी जीव है उनका। अब इन्होंने वर्गीकरण किस बेस पे किया था, इन्होंने वर्गीकरण किया था आवास के बेस पे, यानी कि उन्होंने कुछ जीवों को बांटा, जो भूमि में रहते हैं उन्हें अलग रखा, जो आकाश में रहते हैं उन्हें अलग रखा, और जो जल में रहते हैं उन्हें अलग रखा। अब इससे क्या हुआ, इनको अलग अलग करना तो बहुत आसान काम है, जो धरती पर रहते हैं उन्हें भूमि वाले में रखा जाएगा, जो आकाश में रहते हैं उन्हें आकाश वाले में। परंतु यहाँ पर एक दिक्कत थी, परेशानी ये थी कि यहाँ पर जीवों को अलग अलग रूप में बांट तो दिया था परंतु इससे कोई फायदा नहीं हुआ। जैसे कि मान लीजिए अगर हम पेड़ की बात करें और हम अपनी खुद की बात करें, तो पेड़ ही भूमि